हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व टेस्ट पेपर 3 क्लास 6 आरएस अग्रवाल मैथ। दिस टेस्ट पेपर इज गिवन पेज नंबर 59। जिनके पास पुरानी बुक है उसमें सीसीई टेस्ट पेपर 3 नाम से होगा, बस क्योंकि पहले सीसी चलता था इसलिए सीसी टेस्ट पेपर कर रखा है, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारे क्वेश्चन सेम है। इसका एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं ए पार्ट, जिसमें 8 क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन वही थे, वो सब हो चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। नाउ बी पार्ट, बी एमसीक्यू बेस पर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द वैल्यू 89 × 76 प्लस 89 × 24, इसकी वैल्यू पूछी है, ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम करेंगे कैसे, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ये आएगा 76 प्लस 24, ये तो है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, इक्वल था ए इंटू बी प्लस सी। 76 प्लस 24 हो जाता है कितना, 100, 89 × 100, 89 में 100 का मल्टीपल करेंगे तो 8900 आ जाएगा, और ये आपका ऑप्शन बी में गिवन है, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 53 वी गेट, 53 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइजर क्या हो गया, डिवाइजर इज 53, बी गेट 8 एज कोसेंट, क्वेश्चन दे रखा है 8, क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोसेंट इज 8 एंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर को शॉर्ट में आर लिख दे रहा हूं मैं 5। तो फाइंड द नंबर, द नंबर इज नंबर क्या हुआ, यानी कि डिविडेंड पूछा है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट, यानी कि 53 × 8 प्लस रिमाइंडर, आंसर आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे 8 का मल्टीपल करें, 8 × 3 = 24 कैरी 2, 8 × 5 = 40 और 2 = 42 प्लस 5 तो कितना हो गया ये 429, तो इट इज द आंसर 429। देखिए किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या लगाया हमने, डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया सीधा सीधा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द होल नंबर विच हैज नो प्रेडिसर, किस होल नंबर का प्रेडिसर नहीं होता, 1, 0, 2 और नन ऑफ दीज, क्या आता बताइए जल्दी। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 1, अगर हम 1 का प्रेडिसर निकालें तो क्या होगा, उसका मतलब होता है एक कम जस्ट बिफोर नंबर 0 आ जाएगा, और 0 इज द होल नंबर, तो ये तो ऑप्शन सही है। बी दे रखा है 0, 0 में से अगर एक कम करेंगे -1, और -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो यही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन हो गया बी। बी से मतलब 0 जो नंबर है इसका प्रेडिसर नहीं, तो प्रेडिसर तो होता है लेकिन वो होल नंबर नहीं है, होल नंबर का होल नंबर हो, इसका मतलब ये है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक इक्वेशन दे रखी है, 67 प्लस 33 इज इक्वल टू 33 प्लस 67 इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, होल नंबर में होल नंबर ऐड करो होल नंबर आएगा, हालांकि इसको ऐड करने पर ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, लेकिन दूसरा इसमें ये क्या, इसका ऑर्डर चेंज है, क्रम चेंज है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला है। बी दे रखा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सी दे रखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी हो गया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए प्लस बी वही होगा बी प्लस ए। एसोसिएटिव में क्या होता है, 3 नंबर्स होते हैं उसमें, है ना, कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ये एसोसिएटिव में कुछ लोग गलती से एसोसिएटिव लगा देते हैं, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एडिटिव इनवर्स ऑफ 36। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपल सी बात, बस हमें साइन चेंज करना होता है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -36। वैसे होता क्या, ऐसा नंबर जिसको इसमें ऐड करने पर 0 आ जाए, तो अपोजिट साइंस को ऐड करोगे तभी 0 आएगा, सेम क्वांटिटी में सेम न्यूमेरिकल वैल्यू में। ये भी ऑप्शन सी में गिवन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 36। मेरा एडिटिव इनवर्स पूछा था 36, तो एडिटिव इनवर्स किसी का ही पूछे वही नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन अपोजिट हो जाएगा। अगर पूछते 5 का तो -5, 6 का पूछते -6, हम पूछते -8/5 का तो +8/5, बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 0, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है 0 × 0 करोगे 0 आएगा, ये तो सही है ना, कौन सा 0 नहीं होगा। बी ऑप्शन 0/2, हमें मालूम है 0 में किसी से डिवाइड करना 0, ये भी आंसर सही है, आंसर सही से मतलब ये होगा 0, जो 0 नहीं है हमें तो वो टिक करना है ना। एक दे रखा है
8 माइनस 8 अपॉन 2 0 अपॉन 2 वही आ गया, ये भी सही है, ये भी 0 होगा। और ये तो कुछ ज़्यादा सरल था, ऑप्शन 2 प्लस 0 2, तो यही 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप डी के आगे करेक्ट लगा लिए क्योंकि ये पूछा है इनमें से कौन सा 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। 15 द प्रेडिसर ऑफ द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होती है भाई, 100, इसका प्रेडिसर पूछा, यानी कि 1 सबट्रैक्ट कर दें, कितना आ गया 99, और ये हमें गिवन है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड द क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट्स नंबर, द नंबर बिटवीन होल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट, ओके स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा 10, और ग्रेटेस्ट यानी कि लार्जेस्ट क्या होगा 9, तो इनके बीच में नंबर क्या होंगे, इसको माइनस कर दें, है ना, अब इसको समझना, इसमें मिस्टेक कर दें लोग, इतना ही कर देते हैं और लिख देंगे 89, तो ये गलत हो गया। हम पूछे आपसे कि 4 और 5 के बीच में कितने होल नंबर हैं, तो देखो 5 माइनस 4 करोगे क्या आ गया 1, जबकि एक भी नहीं है, तो एक माइनस और होता है, ये ध्यान रखना, ये अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, इतना कर देता हूँ, ये होंगे 88, ऑप्शन ए में गिविन है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, समझ में आ गया। इसमें कह रहा था द नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर ये और ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर जो है इसके बीच में कितने होल नंबर होंगे, तो क्या होंगे 88, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये क्लियर ना। तो इसमें अब इसको एक तरीके से और सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये लिखा रहता है अब स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 भी, अभी इसमें कंफ्यूज रहता है कि टू डिजिट्स का कि वन डिजिट्स का, तो इसको मान लो अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर का ही निकालना है वन डिजिट्स वाला, तो आप ये भी समझ लो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट होल नंबर है क्या होगा 0, और लार्जेस्ट टू डिजिट्स होल नंबर ये, अब इसको निकालेंगे तो वही 99 माइनस 0, तो और एक और कम करेंगे तो 98, तो इस कंडीशन में ऑप्शन होगा बी, 0 से लेके 99 तक इनके बीच के नंबर पूछे हैं, तो देखो 1 से लेके 99 तक कितने हो गए 99 हो गए सीधे सीधा, और प्लस 0 तो 100 हो गए, 100 में से ये दोनों माइनस कर दो तो 98 आ गया, ऐसे भी आप कर सकते हो ओरली। तो अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर एक डिजिट की बात चल रही है तब तो 98 होंगे, स्मॉलेस्ट टू डिजिट्स की बात चल रही है तो 88 होंगे, है ना। अब क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, द नंबर ऑफ होल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर, उस हिसाब से तो लगता है कि ये स्मॉलेस्ट होल नंबर ये हो गया एंड द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर तो ये हो गया, तो आंसर ये, ओके तो आप ये कर लेना जरा, ओके। नाउ 17 क्वेश्चन सी में है और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, इसका फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स लिख दूंगा। द स्मॉलेस्ट नेचर नंबर इज, सबको पता है स्मॉलेस्ट नेचर नंबर इज 1, तो ऑप्शन हो गया 1, सॉरी ऑप्शन कह रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह आ जाएगा 1। सेकंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, अभी बताया था स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा 0, समझ में आ रहा है ना। थर्ड डिवीजन वाई इज नॉट डिफाइंड, अब किससे, अगर हमने बताया था 5/0 ये कोई डिफाइंड नहीं, ये कहलाती है अनडिफाइंड, तो लिख दोगे 0, कि डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 से हम कभी डिवाइड करें तो वो डिफाइंड नहीं होता। फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है स्टेटमेंट में, फिर लिखा है इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 0 ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तीनों में 0 0 आ गए, वेरी गुड। लास्ट इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर स्टेटमेंट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है होल नंबर की वो बतानी है, बताइए इसे क्या होती है। देखो होती क्या, पहले समझ लो, कोई ऐसा जैसे एडिटिव इनवर्स हमने बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर 0 आ जाए, इसी तरह होती है मल्टीप्लिकेट का, मल्टीपल करना, कोई ऐसा नंबर जिससे मल्टीपल करें तो वही नंबर आए। अब जैसे 5 है, हम 5 में किससे मल्टीपल करें कि 5 आए यानी कि 1, तो यही इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो क्या हो जाएगा आंसर इज 1। तो ये सी यानी कि जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो आपके कंप्लीट हो गए।
अब आपका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में फोर्थ पार्ट है ट्रू फॉल्स बेस पर है। स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स? जीरो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, स्मॉलेस्ट की तो दूर की बात रही, तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, है ना। जीरो क्या होता है? स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, ना कि नेचुरल नंबर। वैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? ये रहा वन, है ना। सेकंड, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो स्टार्टिंग करो नेचुरल नंबर की, वन वन होल नंबर होता है, टू होता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है ऑल आर होल नंबर, तो इट इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड है ट्रू। थर्ड, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखें स्टार्टिंग में जीरो होता है, जीरो होल नंबर, जीरो से जीरो नेचुरल नंबर है नहीं है, तो ये फॉल्स। केवल जीरो ही ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। जीरो को हटा दें अगर, एक्सक्लूडिंग जीरो ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो को छोड़कर जितने भी होल नंबर है ऑल आर नेचुरल, लेकिन जीरो भी तो कंप्लीट उसमें है भाई, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। नाउ फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट, वन हैज नो प्रेडिसर इन होल नंबर, फॉल्स है भाई। वन में से आप वन में से वन सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो आएगा, और जीरो इज द होल नंबर, और ये कह रहा है कि इसका प्रेडिसर नहीं होता है, तो ये फॉल्स हो गया, होता है, इट इज फॉल्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम ऑन होल नंबर्स। कॉलम ए कॉलम बी में कुछ लिखा हुआ है, उसको मैच करना, इसलिए लिखा। फर्स्ट, 137 प्लस 63 इज इक्वल 63 प्लस 137। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, क्या होता है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक यहां भी आ रहा है, एक मैं भी देख रहा था यहां भी आ रहा है। 365 इंटू 18, 18 इंटू 365, तो दोनों में क्या अंतर है? ये है फॉर एडिशन, ये है फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो जब ध्यान से लिखना, दो ऑप्शन दे रखे होंगे, एक एडिशन का एक मल्टीप्लीकेशन का, तो ये फोर्थ ऑप्शन में सामने जो है मैचिंग फोर्थ से हो जाएगा। क्या है ये? कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, एडिशन के लिए, ठीक है ना। दो संख्या हैं होल नंबर और उनका मल्टीपल करने के बाद भी होल नंबर आ रहा है, इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कि दो होल नंबर को ऐड करने पर होल नंबर आए, सबट्रैक्ट करने पर होल नंबर आ जाए, या मल्टीपल करने पर होल नंबर आ जाए, तो ये कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर इसके लिए मल्टीपल, तो मल्टीप्लीकेशन। और ये ऑप्शन आपका किस में देखा है? देखूँ मैं, फिफ्थ में देखा है, तो इसके सामने जो मैचिंग करोगे फिफ्थ होगा, और क्या लिखोगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, या प्रॉपर्टी याद होगी तभी आप कर पाओगे, क्लोजर प्रॉपर्टी किसके लिए? फॉर मल्टीप्लिकेशन। यह भी बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दे रखा है सेकंड में, तो इसका होगा सेकंड, वही क्या हो गया, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, जैसे वो था, ये मल्टीप्लीकेशन के, सॉरी एडिशन के लिए, तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिए, प्रॉपर्टी सेम है। कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ओके। नाउ फोर्थ, a इंटू बी मल्टीप्ली करें इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस सी, ये क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये फर्स्ट में दे रखी है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट होगा एसोसिएटिव। ये भी दो होती है, मल्टीपल में और एडिशन में भी होती है, जो एडिशन होगी तो एडिशन लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन होगी तो मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे, तो क्या लिखोगे? एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा वहां कितनी था? मल्टीप्लिकेशन, ओके। लास्ट क्या है ये? a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, बीच में क्या है? प्लस, तो एडिशन के लिए हो गई, है ना, और अब होता माइनस, तो ओवर सब्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं। तो अब ये कौन सा ऑप्शन है, हम देखते हैं कौन सा रह गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड रह गया, तो थर्ड ऑप्शन होगा, मतलब थर्ड नंबर पर जो होगा सामने, और थर्ड नंबर पर क्या है लिख दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इतना तो सेम होता है। अब ओवर, अगर प्लस है तो एडिशन, और बीच में अगर ये माइनस होता तो सब्ट्रैक्शन, तो ओवर
एडिशन, इसमें तो आपको सोचना है नहीं है, कुछ सामने लिखा हुआ है और हमें तो मैच करना था। तो ये कंप्लीट हो गया आपका टेस्ट पेपर 3। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट पेपर 4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि मैं जब टेस्ट पेपर 4 अपलोड करूँ तो वो आपका मिस ना हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।